नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी दबंग एक गरीब का मकान ढहा रहे हैं। पुलिस है कि पीड़ित की मदद के बजाय काम रुकवाने के लिए ऑर्डर की कॉपी मांग रही है, जबकि एसडीएम ने एएसओ को समस्या का समाधान का निर्देश दिया था। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला आजमगढ़ के सरायमीर थाना का है। आजमगढ़ डीएम और एसपी कार्यालय पर पहुंचे सरायमीर कस्बा के चुड़ीहारा टोला निवासी शक्कू बानो का आरोप है कि उसके पैतृक आवास को कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। हमें भाजपा सरकार का धौंस दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी, जबकि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। घर में विपक्षियों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। इसके बाद भी विपक्षी दो दिनों से मकान में तोड़फोड़ कर कब्जा कर रहे हैं। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष सरायमीर को दी गई तो उन्होंने कहा कि रोकने के लिए आदेश लाओ। वहीं पूरे मामले में एसपी सिटी सुभाष चंद गंगवार का कहना है कि मामला मेरे पास आया है, दोनों पक्ष आए थे, मकान की लेन देन या खरीद में कोई विवाद था, जिसमें एसडीएम द्वारा यथास्थिति बनाए रखा जाए और हमने भी पुलिस को आदेश कर दिया है। एक जमीन है, उसी को मतलब कब्जा करके तोड़ा फोड़ा जा रहा है और हम जाके थाने में बैठे तो एसओ कह रहे हैं और कि मतलब जाइए कोई आदेश करा के लेके, आदेश करा के लेके आए तभी पर तोड़ा फोड़ा जा रहा है। सरकार बोलेगी भाजपा की सरकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अभी सब भाजपा की सरकार एक हो जाएगी, तुम उताकती रह जाओगी। के एसओ साहब को दिए, एसओ साहब बोले हैं 4 बजे आप आइए, वहाँ हम कागज पत्र दोनों को देख रहे हैं, बस यही कह के हमको तसल्ली दे रहे हैं। पारसनाथ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, बदतमीजी हमारे साथ की है, गाली गलौज की, बोले कि तुम ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें ले आके बंद कर देंगे। मिला कोर्ट में चल रहा है सर जी। 145 जमीन मेरे हस्बैंड मेरे ससुर के नाम, जबरदस्ती मेरे ससुर का इंतकाल हो गया और हम लोग जो है कि ये जमीन के चक्कर में ये लोग अंदर अंदर ताला बंद करके बाहर से अंदर अंदर मिस्त्री को 20 ठोकर के तोड़ रहे हैं। ये पेट्रोल मेरे सामने आया है और दोनों पक्ष इतफाक से यहाँ पर आ गए। कुछ मकान के लेन देन खरीद के लेकर कोई विवाद उसमें था, उसमें 145 की कार्रवाई भी की गई है, जिसमें अग्रिम आदेश तक जब तक उसमें कोई निर्णय नहीं हो जाता है एसडीएम साहब द्वारा, तब तक वहाँ यथास्थिति बनाई जाएगी, ऐसा पुलिस को आदेश किया। अब वो अभी तो मेरे सामने आए हैं और उसमें थाना अध्यक्ष मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनके द्वारा भी थाने को बता दिया गया है और जब 145 में डिसाइड हो जाएगा उसी के आधार पर अगला पक्ष जो आदेश होगा उसमें कार्रवाई कर सकेगा, अभी उसमें यथास्थिति बनाएगा।